हाल ही में जो है कुछ मीम्स वायरल हो रहे हैं, मीम्स वायरल हो रहे हैं कि केजरीवाल जी जो बैठे हैं पूरा रॉकेट साइंस वाले कपड़े पहन करके और कह रहे हैं मुझे विश्वास नहीं है मैं जा रहा हूँ देखने। क्या लगता है सर आपको, राहुल गांधी की बातों पर तवज्जो देने वाला है या नहीं? भाई जो अच्छा है उसको पकड़ो, जो बेकार है उसको फेंक दो। राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया है कि यहाँ भारत में जो है मुस्लिम खतरे में है, क्या लगता है? उन्होंने इंडियन आर्मी को नहीं बख्शा, उनके ऊपर डाउट लिए, इतनी जवानों की शहादत मर मर के घर आ गए, तो उनके बारे में क्या बोलोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो G20 जो है उसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से दिल्ली में चल रही है और इस बीच चंद्रयान को लेकर के आज प्रधानमंत्री बेंगलुरु गए और वहां पर साइंटिस्ट से मिले, भावुक हुए, लेकिन इस पर भी जो है राजनीति गर्मा चुकी है। कहा जा रहा है कि पूरे इस मैटर पे यानी कि चंद्रयान जो चांद पर पहुँचा है उसमें प्रधानमंत्री अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब लोग ऐसे किसको किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि इसको 2024 के एंगल से जोड़ लिया गया है, क्या लगता है सर? क्या बोलो, प्रधानमंत्री क्या वाकई चंद्रयान पर जो चांद गया उस पर अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं? इन्होंने इंडियन आर्मी को बख्शा नहीं, वो प्रधानमंत्री उनके लिए नालायक तो है ही है। हाँ। जो ये बातें कर रहे हैं ना, उन्होंने इंडियन आर्मी को नहीं बख्शा, उनके ऊपर डाउट लिए, इतनी जवानों की शहादत मर मर के घर आ गए, तो उनके बारे में क्या बोलोगे आप? लेकिन जिस तरीके से अगर हाल ही की राजनीति को देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो क्या वाकई लगता है कि आज की राजनीति वो राजनीति है जो पहले के समय होती आई? ये लोकशाही तंत्र है, जो मर्जी बोलते रहो, कोई भी बोलने के लिए छूट तो है सबको, इसलिए वो भौंक रहे कुत्ते जैसे। राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया है कि यहाँ भारत में जो है मुस्लिम खतरे में है, क्या लगता है? हाँ, वो खुद ही खतरे में है, मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? मुस्लिम की बात क्यों करते हैं, खुद ही खतरे में है। हाँ, तो क्या ये मुस्लिम वोट साधने की कोशिश तो नहीं है? अभी क्या बताया, अभी क्या मुस्लिम से भी और कोई मेजोरिटी नहीं, क्या क्या रखा है उनके पास? लेकिन अगर बात की जाए तो चुनाव जो है धर्म निरपेक्षता के उससे ही भारत में होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, उनके एक आदमी के बोलने से क्या होता है, उसके अपनी कोई पहचान तो खो चुका है, उसके बातों पे इतना तजुब नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बेकार की बात है। देखिए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बातों पे तवज्जो देने वाला नहीं है, क्या लगता है सर आपको, राहुल गांधी की बातों पर तवज्जो देने वाला है या नहीं? भाई जो अच्छा है उसको पकड़ो, जो बेकार है उसको फेंक दो। अच्छा कौन है आपके हिसाब से? जो देश सही चला दे, बस जो देश सही चला दे। तो प्रधानमंत्री देश सही चला रहे हैं या नहीं? भाई देखो, ये एक बाप चार बेटे को एक तरफ नहीं देख सकता। हाँ। एक जैसा देख सकता है? इतना पब्लिक को अकेले क्या देखेगा, वो तो कोई अच्छा भी बोलेगा कोई खराब भी बोलेगा इसमें। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो चल रहा है ठीक, जो चल रहा है सही है, लेकिन जो इस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है, मुद्दे उठा रहा है और हिंदू मुस्लिम की अगर बात की जाए तो हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा एंगल चुनाव के समय यही होता है, तो क्या इस बार विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर खेल करके किला फतेह करेगा 2024 का? कोई पता नहीं है अभी कब क्या हो जाएगा, ये ना। अब जैसे बात की जाए, अभी चुनाव नज़दीक आए नहीं, चुनाव तारीखों का चुनाव आयुक्त ने ऐलान नहीं किया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट निकाल दी, तो इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पहले से चुनाव से पहले ही बता दिया कि इस क्षेत्र में कौन आदमी खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा? क्या ये वाकई नाम के उससे वोट साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं लोग? अभी क्या बताएं, सही नहीं बता सकते हम। विपक्ष कहता है महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, महिला सुरक्षा। एक बात बताओ, महंगाई बेरोजगारी इसको सही मुद्दा आपने पकड़ा? ये जो महंगाई बेरोजगारी क्यों हुआ किसी को पता है? 500 आदमी एक फैक्ट्री में काम करता था, किसी लाला बनिया होता था 10 मुनीम या 20 मुनीम रखता था लिखने के लिए, अभी आज एक कंप्यूटर रख देगा 19 आदमी बेकार हो गए। 500 आदमी काम करते थे, दो मशीन रख दिया, दो आदमी की ज़रूरत है बाकी आदमी का, भाई इसको तो सोचो, इसको कोई सोचता नहीं। युग है भाई, ये मशीन का युग है, वो तो सारे वर्ल्ड में यही हालात है। मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में बयान दिया, आपने सुना भी होगा, उन्होंने ही अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जो उनके पार्टी के थे राव जी, उनके लिए बोल दिया कि वो
बीजेपी सोच रखने वाले थे, आरएसएस की सोच रखते थे, क्या वाकई इस तरीके के बयान देने चाहिए? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोकशाही तंत्र है, जो मर्जी बोलते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जिनको फर्क पड़ेगा फर्क वो पड़ेगा। लेकिन क्या जनता की आवाज़ दबाई जा रही है? जिस तरीके से विपक्ष दल का ये बात कहना है, जनता की पुकार बंद कर दी जाती, मणिपुर भी एक घटना वही घटना थी, नूह की घटना को भी उसी तरीके से देखा जा रहा है जहाँ जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। कश्मीर का देखो ना, ये तो कुछ भी नहीं। कश्मीर का मसला कितना, 5 लाख लोग बेघर हो गए थे, किसने कोई आवाज़ उठाया था क्या? वही अपोजिशन थी, किसने आवाज़ उठाया था उस टाइम? लोग रात बेरात भाग रहे सारे बच्चे ले लेके, और आप ये क्यों आवाज़ उठा रहे थे? सरकार है जिम्मेदार, सरकार देखेगी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार देखेगी। लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें तो वाकई लगता है कि धरातल पर काम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखो अभी चांद पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, सारा विश्व रिकॉर्ड हो गया, काम नहीं हो रहा है। अच्छा, हाल ही में जो है कुछ मीम्स वायरल हो रहे हैं, कि केजरीवाल जी जो बैठे हैं पूरा रॉकेट साइंस वाले कपड़े पहन करके, कह रहे हैं मुझे विश्वास नहीं है, मैं जा रहा हूँ देखने, सब उसके तौर पे। नहीं नहीं, जिसने इंडियन आर्मी पर भरोसा नहीं किया तो रॉकेट पे क्या भरोसा करेगा? मतलब सवाल तो खड़े होंगे। हाँ, सवाल तो खड़े होना है, इनको सवाल खड़े नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। क्या लगता है, कहा जा रहा है कि चंद्रयान जो गया है उसमें मोदी जी अपना श्रेय लेना चाहते हैं? नहीं, इसमें कह रहे हैं कि नेहरू जी की वजह से आज हम लोग चांद पर पहुंचे हैं। ये क्या है, साइंटिस्ट अपना काम कर रहा है। मोदी जी का काम है उनको रास्ता दिखाना, भैया तुम इस रास्ते चलो, तो इसमें श्रेय लेने का तो कोई सवाल नहीं है, साइंटिस्ट को श्रेय दे। आज जैसे भाषण देते दौरान भावुक हो गए वो, अब इस पे भी चर्चा शुरू हो जाएगी। डीआरडीओ को अगर पैकेज नहीं मिलता था तो साइंटिस्ट क्या करते थे? आज 70 साल में क्या हुआ था? डीआरडीओ को कोई पैकेज मिला? जितने भी ये संस्था, ये रिसर्च करने वाले, इनको कुछ ना कुछ पैकेज लगता है, पैसा लगता है ना, बिना पैसे से कुछ नहीं होता। आपके हिसाब से इन 9 सालों में ही ये पैकेजेस दिए गए, उनको प्रेरणा दी गई, उत्साह उनका बढ़ाया गया, तभी तो इतना डीआरडीओ और ये नासा ये जितने भी है तभी तो डेवलप हुआ सारा, बिना पैकेज से क्या होता है? और पैकेज देने वाला कौन? ठीक है।